कौशरनाग यात्रा जो आज यहां से प्रारंभ हो रही है, छड़ी मुबारक जो अभी यहां निकल रही है आप देख रहे होंगे, इसके लिए जो जो सिक्योरिटी के इंतजाम ज़रूरी थे वो सारे रखे किए गए हैं। पुलिस आर्मी सबको रोपिंग करके किया गया है और जहां जहां कोई हमें था कि आशंका की जहां रोड की समस्या आ सकती है वहां पर मैन एंड मशीनरी डिप्लॉयड है। लंगर व्यवस्था जगह जगह करी गई है और हर लंगर के साथ साथ एक मेडिकल टीम जो इनके साथ भी चलेगी वो भी साथ में है कि अगर किसी यात्री को कोई परेशानी आती है तो उसको भी केटर करें। ये 14वीं 15वीं यात्रा है कौशरनाग की और आज ये यात्रा जो है बेसिकली ये कल से शुरू हुई है। कल जो बारांदरी मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का और अपने अपने हनुमान जी का, वहाँ से ये यात्रा निकल के पहले महादेव मंदिर पे कल आई और महादेव मंदिर से बाजार मुख्य बाजार से होती हुई कल इसका पड़ाव जो है रात को शिव मंदिर जो है नई बस्ती में रहा। आज ये यात्रा जो है आगे के लिए सुबह शुरू हुई है और ये आगे सलाल अरनास फिर महोर फिर सुंगड़ी और चसाना से होते हुए फिर जे कौशरनाग की तरफ जो है ये आगे जाएगी। तो एक तो ये यात्रा जो है हर साल हम देख रहे हैं, इसमें बड़ा उत्साह ये बढ़ता जा रहा है लोगों में और जिसका यहाँ ये यात्रा जाती है कौशरनाग उसका अपना एक इतिहास है। तो मैंने देखा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बड़े अच्छे कदम उठाए गए हैं। कल डीसी साहब भी इस यात्रा के साथ थे और उसके बाद जब मंदिर में हम लोग बैठे तो वहाँ भी उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी की तरफ से पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो तहसीलदार रियासी हैं उनको स्पेशल इसमें अपॉइंट किया गया है जो यात्रा में ऊपर तक कौशरनाग में जाएंगे और इस यात्रा को देखेंगे। इसके अलावा डीसी साहब ने ये भी कहा कि इस साल थोड़ा मुश्किल था लेकिन अगले साल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि ऊपर हम हेलीपैड बनवाएं और इस यात्रा को और ज़्यादा कैसे बढ़ावा मिले इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए।